जीव का के लोन पा उठा लिए गो टेम्पू गौए में दम भर चलाई राजा जी कि राजा टेम्पू से नई हर चल जाए कि सब के हुसुती त निकल जाए राजा टेम्पू से नई हर चल जाए जानो तनी बिजनेस होई ना फेल जी चली बैटरी पलागी ना तेल जी। नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटी और मज़ेदार बातें हमेशा करता हूँ। और आज सुबह सुबह भैया खेसारी लाल यादव जो है ना, वो लोन पे टोटो लिए हुए हैं और टोटो चला रहे हैं। पता नहीं क्यों चला रहे हैं भैया, इतना सारा कारोबार है, इतना सुपर हिट सिंगर हैं, अच्छे खासे पैसे कमाते, पर लोन पे काहे टोटो ले रहे हैं जी। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। बगल में भाई साहब एक बार फिर से पवन पांडे जी, इन्होंने ही लिखा है गाने को, आखिरकार क्यों टोटो चलवा रहे हैं। लेकिन चैनल पर पहले स्वागत करते हैं। स्वागत है भैया। प्रणाम, नमस्कार। जितने लोग गौसिक न्यूज़ देख रहे हैं सबको नमस्कार है और आपका भी स्वागत है। भैया एक बात बताइए, खेसारी जी को आप काहे जी टोटो चलवा रहे हैं, फिर लोन पे लेके? देखिए, कोरोना के बाद सबकी स्थिति खराब हो गई है, और कोरोना जब ख़त्म हुआ तो सबको गाँव याद आया, जितने भी बाहर लोग हैं, और ख़ास तौर पे तो उन लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ जो लोग गांव से ज़मीन जायदाद बेच करके जाके शहर में बस गए थे। बट जो गांव और शहर दोनों से लखे थे, तो गांव में सबसे बढ़िया अगर रोज़गार किसी मर्द को मिल जाता है तो पत्नी सबसे ज़्यादा सुकून उसको मिलता है। मेहरारू को कितना पैसा दे दीजिए, लेकिन पास रहिए, उससे बड़ा सुख उसको कुछ नहीं। तो इसीलिए अब खेसारी लाल यादव को कह रहे हैं कि भैया लोन पर आप टोटो ले लीजिए, टोटो चलाइए ताकि खुश रहेंगे हम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहने का मतलब समाज में संदेश है कि जब आप बाहर भीतर घुमा, जैसे मान के चले बाहर जा कर के 8-10 हज़ार का नौकरी कर रहे हैं, तो घर पे रह कर बैटरी वाला जो रिक्शा है अगर वो लेके आप चला रहे हैं तो उसे ज़्यादा आप घर पे कमाइएगा और साथ साथ घर के लोगों के साथ भी रहिएगा। तो भैया आपको क्योंकि आप अच्छा गाते भी हैं, तो आपको लिरिक्स का शब्द याद है क्या, आपको थोड़ा सा गुनगुनाना चाहेंगे? याद है थोड़ा सा, लेकिन बेसुरा कह देंगे अभी, आवाज़ ठीक नहीं है। कोई बात नहीं भैया, दर्शक सब जानते हैं वो आप राइटर अच्छा लिखते हैं, लेकिन फिर भी अपने लाइन में जो अगला गो फर पारो बाहर के नौकरी हो, अगला गो फर पारो शहर के नौकरी, ए राजा डर लागे कबनो पटहली छोकरी। एक लाइन भुला रहे हैं लेकिन आगे वाला लाइन गाते हैं कि जीव का के लोन पा उठा लिए गो टेम्पू, जीव का के लोन पा उठा लिए गो टेम्पू गौए में दम भर चलाई राजा जी। जीव का लोन जो है आजकल बहुत हिट किया हुआ है गांव में, जितना कुली लोग रहा है 4-5 रुपया घूस कमीशन पर चलावे ला, सुदखोरी के लोग पैसा जे खात ला, सब के बंद कर दिल धंधा जीविका जब से आई, तो जीविका से लोन ले लो के मेरा बहुत सारा हमरो गांव में बहुत सारा टोटो लोग ले ले बा जीविके से। तो हम सोचे नहीं कि अभी तक जीविका गाने में नहीं खेलते, तो जीविका के इस्तेमाल कर जाओ, ऐसे कि हमारे परिवार के लोग भी जुड़ल बा जीविका से। एक बात बताइए, खास करके जो ये एक तरीके से संदेश वाला गाना है, क्योंकि जैसे गांव में आजकल बेरोजगारी वाला है और टोटो आजकल गांव में चल रहा है, तो उसी को ध्यान में रख के आपने ये सोचा होगा कि भाई इस तरीके का गाना निकाला जाए थोड़ा टेम्पू वाले स्टाइल में, क्योंकि लोग बजाते तो वही है, गाँव में तो असली म्यूजिक तो ट्रैक्टर ट्रॉली पर ही बजता है, वो कहीं ना कहीं उसी को ध्यान में रख के बनाया गया था ये चीज़। देखिए, टोटो से दो फायदा है, वो तो ध्यान में रखा गया था कि ऑटो रिक्शा बजता है, बट माजा कुछ ऐसे सॉन्ग होते हैं जो माजा वाले होते हैं ना, जैसे हमारा इसके पहले भी टेम्पू वाला गाना आया था कि राजा टेम्पू से नई हर चल जाए कि सबके हुसुती त निकल जाए राजा टेम्पू से नई हर चल जाए। टेम्पू का गाना था लेकिन ऑर्केस्ट्रा में इतना बजा था कि जबरदस्त बजे। जेसी भी गाना था तो जेसी भी में कहीं गाना नहीं बजता है, जेसी भी में चोंगा आप कहीं नहीं देखेगा, ट्रैक्टर में बजता है, लेकिन अब जेसी भी गाना मैं धूम मचाया था डीजे ऑर्केस्ट्रा में। तो कुछ ऐसे सॉन्ग होते हैं जो अच्छे लगते हैं, और टोटो का दो गो फायदा है, उसमें एक लास्ट अंतरा हम लिखे हैं कि जानो तनी बिजनेस होई ना फेल जी चली बैटरी पलागी ना तेल जी। सबसे बड़ी बात है कि डीजल पेट्रोल की जो महंगाई बढ़ रही है और इसमें आपको बैटरी पर चलेगा, सरकार बिजली की सुविधा बहुत अच्छा दे ले बा, तो कहीं भी रुआ चार्ज कली सूते के बेरा सवेरे फिर चलाई रेल नहीं एकदम। खास करके इसमें ऋतु सिंह जो दिख रही, ऋतु चौहान दिख रही है, काफ़ी जोड़ी हिट मानी जा रही है, एकदम जो भी गाना आ रहा है वो ब्लास्ट ही हो रहा है। तो ऋतु चौहान को खेसारी लाल यादव से केमिस्ट्री कैसा लग रहा है, कि दिन ब दिन कैरियोग्राफ कैसे देख रहे हैं आप ऋतु चौहान का खेसारी लाल यादव के साथ? नहीं, ऋतु चौहान एक्ट्रेस अच्छा है, और साथ ही साथ वो पहले से कॉमेडी भी की है, और हम लोग के सिवान क्षेत्र से है, तो
जो देखिए पूरी भोजपुरी उसके अंदर रग रग में भरा हुआ है, और वो खांटी देहाती लड़की बारी तो उनका लगे तब टाइलेंट भर ले बा।